एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहां के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना मैं मानता हूं ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज है ये एकेडमिक इश्यू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है, ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है उसका एक लूट। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं, एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज। यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिबरेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इसका इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन चीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें।
आपने हाल ही में दो दिन पहले यहां पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मुझे मेरे पास, मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है। मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1,05,675 crores ऑफ इलीगल एसेट्स हैज बीन ब्रॉट बैक इन टू द मेन स्ट्रीम टू बी यूज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बाई ईडी बाई द इन्वेस्टिगेशन सच इज दिस। और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।